सो सब गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एक नए फ्रेश व्लॉग में। और आज हम ऋषिकेश से वापस गुड़गांव की तरफ राइड करने वाले हैं। सो इट्स गोना बी अ वेरी सिंपल राइड, 300-350 किलोमीटर्स राइड, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहन चट्टी जहाँ पे भी हम हैं, समवेयर बिफोर मोहन चट्टी एंड आफ्टर शिवपुरी इन बिटवीन। सो यहाँ से प्लान सिंपल है, कैरी बाजी को ऋषिकेश ड्रॉप करेंगे और फिर फट निकल जाएंगे कुछ। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इट्स टू हॉट, इट्स ऑलमोस्ट 37-38 डिग्रीज आउटसाइड। तो मैंने बाइक को रोड वोड कर दिया, अब यहाँ से सीधा साइड साइड निकल जाएंगे बढ़िया से, फिर आप लोगों को अपलोड पे मिलते हैं। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू लीव, बढ़िया। यहाँ पे ये हम रुके थे, जो भी ये होटल है, जो भी कैंप्स है, अभी इनका नाम नहीं पड़ा, अभी नए बने हैं, तो अभी नेम हैज़ टू बी डिसाइडेड। वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी मंतोष, वेरी गुड गाय, बिग थम्स अप। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं लड़के हमारे, वो देखो भोलू को छोड़ना है रुड़की ऋषिकेश, नहीं इसको ऋषिकेश और रुड़की बीच में कहीं छोड़ना है। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ अपना स्टे था गाइस, यहाँ पे इन्होंने कैंप्स लगा रखे हैं। ये कोई छोटी सी रिवर जो कल मैंने दिखाई थी आप लोगों को, ये वही है, ये आगे जाके गंगा मिल जाती है। दिस इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये कोई और रिवर है। जस्ट लुक एट दी फ्लाइट ऑफ द सिचुएशन, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और ताबड़तोड़ गर्मी हो रही है, ताबड़तोड़ इतनी तेज़ धूप है, इट्स सो फ्रीकिंग हॉट। तो सबसे ज़्यादा परेशानी बस राइडिंग में यही है कि जब ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ता है, बहुत बढ़िया वाली गर्मी हो रही है। गाइस फाइनली वी आर आउट ऑफ द ट्रैफिक, इतना लंबा जाम लगा हुआ था। हम सुबह सुबह निकले थे मेरे हिसाब से 10:30 बजे के करीब, एंड इट्स 12:17 इन द आफ्टरनून, और हमने सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, नॉट इवन 10 किलोमीटर्स, 8-9 किलोमीटर। ओ भाई जो इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, मैंने आज तक किसी हिल स्टेशन पे इतना ट्रैफिक नहीं देखा गाइस। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी एक्सपीरियंस कर लिया। और भोलू भाई के हमारे कहने हैं कि मैं देश का युवक अपनी जवानी ट्रैफिक में खराब कर रहा हूँ, सड़क पे ट्रैफिक में खराब करो तभी जीडीपी गिर रही है। चलो गाइस ये सब तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ राइडिंग, पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, जो भी होगा आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग होगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं, कहीं रुकते हैं अगर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बस पानी उतरा, मैं जैकेट उतारी, पानी पिया, एंड अगेन जस्ट मतलब यू हैव टू कवर दी डिस्टेंस। तो चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से, कहीं रुकते हैं तो अच्छी तरह व्लॉग करते हैं, फिर मिलते हैं, सी यू गाइस इन अ बिट। गाइस जस्ट लुक एट द व्यू, रोड कितना अच्छा आ गया बीच में, बैराज कोई जगह से 1 किलोमीटर पहले हम लोग, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ब्यूटीफुल रोड बनी हुई है, बिल्कुल जंगल के अंदर है, कंप्लीट फॉरेस्ट, अच्छा खासा फॉरेस्ट है। यहाँ होंगे शेर वेर भालू वालू होंगे, इस वाली बेल्ट में होंगे, आई एम श्योर होंगे, एंजॉय करो गाइस व्यू आप। सो गाइस जस्ट स्टॉप्ड फॉर अ बंटा ब्रेक, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा और ऐसी तैसी हो चुकी है, हमारी हाथ इतनी ज़्यादा गर्म हो चुके, पीठ इतनी ज़्यादा गर्म हो चुके, पसीनों पसीने हो चुके हैं। बताएँ ऐसी कौन सी जगह है भाई? एम्स, वाह भाई वाह, एम्स, व्हाट अ एक्सप्लेनेशन, दिल्ली वाले एम्स नहीं, ऋषिकेश वाले एम्स। और बोलू जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, like what motivates you to get up here as is from your house and
getting stuck in Rishikesh. I feel like puking right now. I just counted 5,000 cars in a narrow lane. And I would recommend you to not travel here on the weekends. Always prefer weekdays. And if you have an opportunity, just don't bring your car. You have a very good train, Shatabdi Express. शताब्दी से आओगे इस गाड़ी वाड़ी मत लेकर आओ, यहाँ वीकेंड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. यू कैन रेंट योर ओन बाइक और बाइसाइकिल एंड जस्ट टेक आउट अ कपल ऑफ डेज एंड एक्सप्लोर न्यू पॉइंट्स. जस्ट डोंट फॉलो दिस ब्लॉगर्स गाइस. यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. विक्की बाजी गए प्यारी बाजी को छोड़ने, फिर यहाँ से फटाफट निकल जाएंगे. रुड़की में इसको फेंकेंगे बोलू को और फिर अपना चुपचाप दिल्ली. ओके बोलू कुछ कहना चाहता है गाइस. दिस इज आवर ब्रदर्स blog and I would like to motivate him with your likes and comments and you can always tell him like what sports you want to see, what else you want to see, like what content you want him from him. You want to see the more city side or so guys nikal chuke hain wapas. Carry baji ko chhod diya, bante pi liye do teen, pani pi liya, ab nikal chuke hain apni destination ki taraf jo ki hai Gurgaon, hamara apna ghar. अब बीच में बोलू को थोड़ी सी आगे छोड़ना है रुड़की से पहले. सो बोलू को ड्रॉप करते हैं, आप लोगों से वहाँ मिलते हैं और तब तक आप लोग ये डैम का व्यू एंजॉय करो. डैम बना हुआ ये. बेस्ट पार्ट ऑफ द टूर जिस रोड पे हमें इस समय बाइक चला रहे हैं, मतलब इससे अच्छा भी मैंने पूरी राइड भी नहीं देखा. ऋषिकेश में देखा जो प्रॉपर प्यारी सी गंगा रिवर बह रही है साइड में. दिस इज़ अ प्रॉपर व्हाट डू यू कॉल अ टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क है ये. और बहुत मज़ा आ रहा है इसमें मोटरसाइकिल चलाने में. राइट नाउ इट्स 36 डिग्रीज आउटसाइड और मीठी मीठी धूप पड़ रही है, मीठा मीठा मौसम हो रहा है. Riding in extreme heat. Right now it's 40 degrees outside और धुआं है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है. Now we are taking a diversion towards the क्या कहते हैं नहर वाला रोड है कोई, तो सीधा खतौनी निकलेगा. तो वी अवॉइडिंग दिस एक्सप्रेस वे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. बीच में भी ट्रैफिक जाम में हम फंस गए थे, तो जस्ट टुक अ 5 मिनट्स ब्रेक क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी. बस पानी वानी पिया, थोड़ा पानी वानी उनको मारा, बस अब आगे ऊपर बाइक पर मिलेंगे. बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई गाइस. सो गाइस ये हमने नहर वाला रूट ले लिया, सीधा खतौनी निकलेगा. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं रोड के ऊपर, तो हमने बोला इट्स बेटर टू टेक दिस रोड क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. हम रुके 5 मिनट के लिए, पानी वानी पिया, बस फटाफट हम लोग उसके बाद बाइक पे बैठ गए वापस. तो बाइक भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट निकल रही है बाइक, जिसमें हिमालय तो बहुत ज़्यादा हीट कर रही है. कोई नहीं, अब गर्मी गर्मी रात रात में मोटरसाइकिल चलाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. अभी तो ये हाल है, अगले 1.5 महीने बाद क्या होगा. So it's better in the summers riding in the night. So it's time to say bye bye to Mr. Bholu. We are right now we are in Rudki. और गर्मी ऐसी लबा लब हो रही है ना, क्या कहना है आपका. माशाल्लाह बहुत गर्मी हो रही है, बस उसको छोड़ना है. बस थोड़ी सी हल्की सी जैकेट उतारी थी ताकि पसीना थोड़ा सा सूख जाए, गर्मी बहुत ताबड़तोड़ हो रही है. ये तो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे बना था. हाँ IIT रुड़की, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था उसका नाम, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था. चलो गाइस ने बनाया था. आगे कहीं रुकते हैं, कुछ खाते हैं तो मिलते हैं. शहदीप और मिक्की बाजी गए हैं कुछ चॉकलेट या पेप्सी लेने के लिए, पीछे दुकान थी. आई एम सेइंग बाय बाय टू बोलू, फिर आप लोगों से मिलते हैं ब्रेक के बाद. गाइस 140-150 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर दिल्ली और ये नहर वाली रोड पे हम लोग ईजिली 85-90 के बीच में क्रूज़ कर रहे हैं. साथ साथ पूरी नहर चल रही है और बिल्कुल स्ट्रेट रोड है. इट वॉज़ अ गुड डिसीजन टेकिंग दिस रोड, बेटर रोड है ये और कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली रोड पड़ी हुई है. मज़ा आ रहा बाइक चलाने में, थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हुआ है मेरे हिसाब से, इतनी गर्म हवा नहीं लग रही. मैंने जैकेट के सारे वेंट फेंट सब खोल दिए. सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है. इन्जॉय करो आप लोग. अभी तक तो मैंने खाने का ब्रेक लेने नहीं दिया लड़कों को, बट अगर आप ज़्यादा फोर्स करेंगे तो फिर
दिल्ली से पहले कहीं कुछ ना कुछ तो खिला ही देंगे इनको। एंड दिस टाइम वी विल नॉट टेक द ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड, दिल्ली के अंदर से जाएंगे क्योंकि लंबा पड़ता है यार वो। अननेसेसरी बाइक की ऐसी तैसी करनी है, 100-120 ऊपर चलना लगातार 150 किलोमीटर, इट्स नॉट गुड। सो अभी तक तो यही है, करो इन्जॉय आप लोग, मिलते हैं थोड़ी देर में। It's 6:09 in the evening और हम लोग पहुँचे हैं अभी मेरठ से थोड़े से पहले हैं, पर मेरे हिसाब से 9-10 किलोमीटर्स फ्रॉम मेरठ। और बस यहाँ से हम विल बी टेकिंग द एक्सप्रेस वे एंड स्ट्रेट टू दिल्ली। दिल्ली इज़ वॉट 70-71 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और वह रोड बहुत अच्छा था, हमको सीधा उसने शीतल ग्रैंड खतौनी में निकाल दिया। दैट वॉज अ वेरी गुड रोड, गुड डिसीजन टेकन, थैंक्स टू मिस्टर भोलू फ्रॉम रोड की। अरे बीच में कहाँ चल रहे हो कल? So guys, finally reached Delhi. House class के अंदर भी हम लोग हैं। यहाँ से we'll be taking the ring road and going to गुड़गांव। और बस फटाफट गुड़गांव आ जाए। आज तो बहुत ही थकावट हो गई, बहुत सालों बाद बाइक पे थकावट हुई आज। चलो कोई नहीं, ऋषिकेश भी याद रहेगा, प्रैंक जो हमारे साथ हुआ है आज, ट्रैफिक प्रैंक। इतना ट्रैफिक तो नहीं देखा भाई लाइफ में, पहाड़ पे कम से कम 5,000-10,000 गाड़ियाँ आई हुई छोटे स्टेशन पर। चलो राइड कंप्लीट हो गई, एक छोटी सी अचीवमेंट फील होती है। सो फार सो गुड, बस अनदर 40 मिनट्स मैक्सिमम विल बी रीचिंग। सो गाइज, लास्ट नाइट वी केम बाय 9:30 इन द इवनिंग, और इतना ज्यादा थक गए थे, इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन थी, इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो गई थी। वी वर राइडिंग इन एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस। सो आई खाना खाया एंड आई क्रैश्ड, व्लॉग भी खत्म नहीं कर पाए हम लोग, इतना ज्यादा थक गए थे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहां तक देखिए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। फिर आते जाते किसी ऐसी ब्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय, और प्यार करते रहो, शेयर करते रहो, और मिलेंगे फिर ऐसे किसी ब्लॉग में चलते हुए। चलो गाइस, सी यू।